खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा राष्ट्र आज कर रहा है योग, पूरा विश्व आज कर रहा है योग, इसीलिए इस खास पेशकश को नाम एबीपी न्यूज ने दिया है राष्ट्र योग। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप भी अपने घर बैठे इन तस्वीरों को देखिए, आनंद लीजिए और योग कीजिए। तस्वीरें लखनऊ से मिल रही है हमें, जहां राज्यपाल राम नाईक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और हमारे संवाददाता रणवीर लगातार हमारे साथ उस जगह पर मौजूद है जहां पर हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री योगी योग करेंगे। बताएं रणवीर, क्या देख पा रहे हैं आसपास? खैर, तस्वीरें लगातार रांची से हमें मिल रही हैं। जिस तस्वीर का इंतजार था, आखिरकार वो तस्वीर आ ही गई। प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे रांची, इसका इंतजार हजारों लोगों को था और अब आ गए हैं प्रधानमंत्री उस मैदान में रांची के, जहां पर अब अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री लोगों के साथ योग करेंगे। हालांकि करीब 15-20 मिनट प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच बोलना भी है, उनका संबोधन भी है यहां पर, लेकिन मंच पर विराजमान है प्रधानमंत्री, उनके साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री को भी आप वहां पर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के बीच आम लोगों की तरह होते हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं रहता, आज के दिन आम आदमी नहीं रहता, क्योंकि हर कोई योग के रंग में, योग के उत्साह में, योग के संकल्प में, योग के समर्पण में डूब चुका होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास को आप देख रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं रघुवर दास, इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, खैर दोनों एक ही पद संभाल रहे हैं तो उनका वहां पर होना, और आयुष मंत्रालय से भी वहां पर मंत्री मौजूद है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक साफ तौर पर जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से देना चाहते हैं कि पहले अपने शरीर, अपने मन, अपने अंतरात्मा के स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अगर अंदर सब ठीक होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन चित्त प्रसन्न होगा, तो दुनिया की ऐसी कोई मुश्किल, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर, ये ऐसी तस्वीर जिसका इंतजार सुबह 5 बजे से, या आप ये कह लीजिए कि सुबह 3 बजे से उस मैदान में लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां पर आना था सुरक्षा कारणों की वजह से, 3 बजे ही गेट खोल दिए गए थे। 40,000 लोग रांची के प्रभात तारा मैदान में इस वक्त मौजूद हैं और ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत संदेश जो दुनिया को आज प्रधानमंत्री देना चाहते हैं और वाकई देते भी हैं हर साल, क्योंकि ये देखिए, ये एक संदेश जो कि प्रधानमंत्री इस मंच से दे रहे हैं कि चाहे आप देश के सबसे बड़े नेता हो, चाहे आप देश के सबसे ताकतवर नेता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आप बिल्कुल आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर, बिल्कुल आम लोगों की तरह मंच पर बैठकर वो योगासन करेंगे जो आपके हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं। और यकीन मानिए, यही योग का संदेश है, यही संकल्प योग सिखाता है अपने योगियों को कि आप चाहे कोई भी हो, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके चित्त को, आपके विचारों को योग वही देगा जो प्रधानमंत्री को देगा या फिर एक आम आदमी को देगा। तो हृदय के लिए योग, योग फॉर हार्ट, ये आज झारखंड के रांची के इस मैदान में थीम रखी गई है। खास तौर पर उन आसनों को, उन प्राणायामों को रखा गया है जो हृदय के लिए अच्छे हों। तो इसलिए अगर आपके परिवार में कोई है जिसको हृदय रोग संबंधी दिक्कत है, तो फिर आपको लगातार एबीपी न्यूज के माध्यम से इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। तो रांची के इस मैदान की तस्वीरें तो लगातार आपको हम दिखा ही रहे हैं। लखनऊ में योगी भी आज योग करने वाले हैं, नांदेड़ में योग गुरु रामदेव लगातार योग कर ही रहे हैं, इसके अलावा तमाम गणमान्य लोग, तमाम वीवीआईपी लोग देश के अलग अलग हिस्से में आज हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी आज हरियाणा में है, हरियाणा के रोहतक से हमारे संवाददाता नीरज की एक खास रिपोर्ट देखिए। इस समय हम खड़े हैं रोहतक के मेला ग्राउंड में, जहां थोड़ी ही देर में देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचने वाले हैं और यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इसी मंच से योग करेंगे। यहां के स्थानीय मंत्री अनिल विज और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहे हैं। और आपको दिखाना चाहते हैं, ये मेला ग्राउंड का ये मैदान है जहाँ पे व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट लोअर में हजारों की संख्या में यहाँ के लोग पहुंचे हैं जो योग करने के लिए पहुंचे हैं। योग, चूंकि ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में आज योग की
क्रियाएं की जाएंगी। और आज ये रोहतक का मेला ग्राउंड भी आप देख सकते हैं खचा खच लोगों से भरा हुआ है, लोग लगातार आ रहे हैं, रोहतक के और आसपास के लोग यहां पहुंच रहे हैं और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ योग करेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रांची में हैं और उन्होंने ही योग को लेकर एक नई क्रांति छेड़ी है, तो आज इस रोहतक के मैदान में भी आप देख सकते हैं योग को लेकर लोगों के अंदर कितना क्रेज है और लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। ये डी है जहाँ पे योग के तमाम वो टीचर जो योग को बहुत अच्छे से समझते हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और योग क्रिया करेंगे। और इस मंच के ऊपर से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर योग क्रिया करते दिखाई पड़ेंगे। योग चूंकि एक ऐसा विषय है, योग एक ऐसी क्रिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया है कि शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है, और वही आज यहां इस ग्राउंड में देखने को मिलेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज रोहतक। तो आज राष्ट्र कर रहा है योग, इसीलिए इस खास पेशकश, इस विशाल कवरेज को नाम हमने दिया है राष्ट्र योग। रोहतक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आइए अब लिए चले आपको दिल्ली के राजपथ। जी हां, दिल्ली की जान है राजपथ, और वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे लोगों के बीच, और यहां पर मंच पर राजनाथ सिंह है और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज का दिन यह विश्व के मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। आज पूरा विश्व योगिक क्रियाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से पूरे एक दूसरे की सभ्यता के साथ जुड़ रहा है, और इसको जोड़ने का काम यदि कोई कर रहा है तो योग ही कर रहा है। और आप जानते हैं कि आज के दिन टोक्यो से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक पूरा यह विश्व योग के माध्यम से सूर्य की किरणों का यह स्वागत कर रहा है। योग का यहां तक प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और मैं यह मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की यह सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी की एक सबसे बड़ी यह कामयाबी रही है। और आज हम सभी सारे विश्व में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े धूमधाम के साथ हम मना रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 177 देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाने का समर्थन किया था। मैं मानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में शायद कभी भी किसी प्रस्ताव को इतने देशों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रस्ताव को, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसे दुनिया के देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। कभी कभी इस योग को मजहबी आधार पर लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह मजहब के आधार पर इस योग को नहीं जोड़ा जा सकता। सचमुच यह तो विश्व की इंसानियत को, मानवता को यह संदेश देने वाला एक ऐसा यह औद्योगिक क्रिया है, किसी मजहब अथवा किसी धर्म के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता। यदि मजहब के साथ यदि यह जुड़ा होता तो मैं समझता हूं कि विश्व के अधिकांश देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस योग को मान्यता न दिलाई होती। विश्व के लगभग 44 से अधिक इस्लामिक देशों ने भी इसका समर्थन किया है, और विश्व के कई देशों में, इस्लामिक कंट्रीज में भी आज ही जिस प्रकार से भारत में यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है, दुनिया के कई इस्लामिक कंट्रीज में भी इसका स्वागत हो रहा है। और आज यह योग अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का अलग जो आसन है ना, ये अलग अलग तरह से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज तक किसी बंदर को कमर में दर्द देखा नहीं होता, बहुत लंबी लंबी छलांग मारता है, हम थोड़ा सा ऊंचे नीचे होते हैं और रीढ़ की हड्डी डिग जाती है हमारी, वर्टीब्रेज में प्रॉब्लम आ जाती है, L4-5 में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर एक एक पैर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, इसको एक पाद उत्तान आसन कहते हैं, इससे भी कमर अच्छी हो जाती है। अब मैं कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन के लिए बता रहा हूं, आज जवान बच्चों से लेकर के प्रोफेशनल से लेकर के जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, चाहे हमारे प्रिंट मीडिया वाले लिखते हैं या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले एंकरिंग या दूसरे ऑफिशियल काम करते हैं,
आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका जहां पर भी हैं, कमर दर्द होने की संभावना है उससे बचाता ही होगी। ये एक पाद उत्तान आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, जिनको कमर में दर्द है या कमर दर्द से बचने के लिए, जिनको नहीं है उनको रोगी होने से बचाएगा और जो रोगी है उनको निरोगी योग बनाएगा। अब दाएं पैर मोड़िए, यह कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, इसका नाम है अर्धपवन मुक्तासन। सिर नहीं उठाया, खाली पैर को दबाया, इससे लुम्बर पेन में जबरदस्त लाभ होता है। लुम्बर पेन के लिए बहुत जबरदस्त है अर्धपवन मुक्तासन। दाएं के बाद बाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक कीजिए और घुटने को दबाइए, छाती से लगाइए, कमर दर्द के लिए जबरदस्त है। जिनको रोग नहीं है उनको रोग होने से बचाएगा योग। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग पैदा होने की संभावना है, कमर दर्द से लेकर के अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कैंसर तक। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए। हर रोग हर व्यक्ति के शरीर में पैदा हो सकता है, लेकिन जो योगी होगा उसके शरीर में रोग नहीं होगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। दोनों पैरों को दबाइए, घुटनों को छाती से लगाइए। हर एक के तन में रोग और मन में विकार पैदा हो सकता है, लेकिन योगी निरोग और निर्विकार रहता है, निर्विचार रहता है, निर्द्वंद्व रहता है, निर्वैर निर्भय रहता है। घुटनों को दबाइए, छाती से लगाइए। यह हुआ पवन मुक्तासन का आधा अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन। अब पूरा करवा देते हैं, जरा सिर उठाइए और नासिका भी लगा दीजिए। मैं कह रहा था योग से हम निरोग बनते हैं, निर्भय बनते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूते शलो लुप्तम वार्द्वम ही रचापलम। पैर सीधे, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहनाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत दंभो दर्पो विमानस्य क्रोध पार्श्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। आसुरी संपद से बचाना, दैवी संपद बढ़ाना, योग से बढ़ेगा ये दैवी संपद का साम्राज्य है। आपको अभी हमने पवन मुक्तासन कमर के लिए करवाया और पूरा पवन मुक्तासन पीठ और पीठ दोनों के लिए कराया। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, इसका नाम है कंधरासन या सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ लिया, टखने के पास से पकड़ लीजिए और कोशिश कीजिए बीच से उठाने की। ये योग प्रोटोकॉल में भी सम्मिलित किया गया, बहुत अच्छा आसन है। और ये पेट के लिए, पीठ के लिए, जिनका यूट्रस ओवरी या एनस के प्रोलैप्स होने की प्रॉब्लम है, किसी किसी का यूट्रस ओवरी एनस बाहर निकलता है, उसको भी ठीक करता है। सांस बाहर छोड़ के पेट को अधिकतम खींच देते, ये सेतु बंधासन हुआ। ऐसे थोड़ी देर रोक करके फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। अब पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कुछ खास आसन करवाते हैं। दोनों पैरों को मिला लेते हैं और करीब 30 डिग्री पर पैरों को उठा करके रोक के रख लेते हैं। उत्तान पादासन पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम, मंडूकासन या योग मुद्रासन, वक्रासन जितना बन पाए कर लेना और साथ में पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन या नौकासन कर लेना। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, ये बात बड़ी बात मैं कह रहा हूं। इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाया। नीचे आ जाएंगे पैर, आधा मिनट से एक मिनट तक ऐसे रोक सकते हैं। हमने डायबिटीज के पेशेंटों को नॉन डायबिटिक बनाया, हमने अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी करके बीपी को क्योर किया है, प्राणायाम करवा करके हमने अस्थमा और अर्थराइटिस को क्योर किया है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम मात्र करवा करके, कपाल भाती उज्जाई सिंहासन सर्वांगासन हलासन आदि करा करके हमने थायराइड को क्योर किया। एस एल एम एस ऑटोमन डिजीज और कैंसर के भी क्योर हुए रोगियों का हमारे पास में साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, पैर सीधे, अब दोनों तरफ से शरीर को उठाएंगे, इसका नाम है नौकासन। कीजिए, दोनों तरफ से उठा दिया, जितना बन पाए, नाव जैसी स्थिति बन जाती है, पैर भी उठते हैं, सिर भी उठता है, ऐसे कोशिश करते हैं। ये नौकासन आधा से एक मिनट तक ऐसे रोक सकते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। पहले दिन तो 10-20 सेकेंड ही हो पाता है। एक कठिन आसन है, आप खाली देखेंगे क्योंकि कर ना सकेंगे, जो बच्चे हैं वो कर पाएंगे। दोनों पैरों को तलवों से मिला लें, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए।
जिनकी नाभि धरण पीछोटी खिसक जाती है, डिग जाती है, उसके लिए किसी किसी की नाभि और स्तन में दोनों तरफ से अंतर देखो तो 2 से 3 इंच का फासला मिलता है और स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ने से बहुत सारे रोग होते हैं। योग से वात पित्त कफ का, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म का, सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट इमोशंस का बैलेंस होता है, संतुलन योग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। दोनों पैरों को तलवों से मिला लिया, पैरों को खींचते हैं और खींच करके प्रयत्न करें कि आपके अंगूठे नासिका से लग जाए, कोहनिया नाभि के दोनों ओर ऐसे। ये थोड़ा कठिन है लेकिन ऐसे हो पाएगा धीरे धीरे अभ्यास करने। फिर पैर सीधे, अब सब करेंगे शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों में थोड़ा फासला, ये तो बहुत इजी है, बड़ा मन पसंदीदा है सब। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज। और संकल्प पूर्वक देह को शिथिल कर देते हैं। शरीर, इंद्रियों, मन और मन के विचारों, भावों, संवेदनाओं के साथ हमारा एकात्म रहता है, इसलिए हम अपने आप को शरीर, इंद्रियों, मन से परे आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। शवासन में हम शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण को साक्षी भाव से देखते हैं और आत्म स्वरूप में, आत्मा भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और आत्मा में जो परमात्मा का ज्ञान, प्रेरणा, प्रकाश है, उसको अनुभव करते हैं। ये योग निद्रा का अभ्यास है। और ऐसे अपना शिथिलीकरण और भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए, प्रभु मैं आपकी शरणागत, भगवत शरणागति, ये सबसे बड़ा सत्य है योग का। ऐसे श्वासों के साथ अंतर्मुखी होते हुए